ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग करेंगे अपन सॉरी ऑरेंज मैनिपुलेशन। तब अब मुझे अगर दिखाना है ऐसा कुछ तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फोटोशॉप में जाती हूँ। फोटोशॉप में मैंने यहाँ पे जो साइज लिया है वो कौन सा लिया है? फाइल में जाके न्यू, और न्यू में जाके मैंने प्रिंट लिया। यहाँ से मैं ले लूँगी सिंपल A5। इसको मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट, मेरे पास यहाँ पे A5 साइज मैंने यहाँ पे लिया। किस में गई हूँ मैं? फाइल, फाइल में जाके न्यू, न्यू में जाके मैंने प्रिंट, प्रिंट में जाके क्या लिया मैंने? A5। मैंने यहाँ पे ये वाला साइज लिया, इसको मैंने किया क्रिएट। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अगर ऑरेंज मैनिपुलेशन करना है तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले नीड किस चीज़ की है? कप की। मैंने यहाँ पे लिया कप। इमेजेस में जाती हूँ, टूल्स में जाती हूँ मैं, साइज, साइज में जाके मैंने किया लार्ज। अब यहाँ पे मुझे कप कैसा चाहिए? पॉसिबल है यूज कर सकते हैं ऐसा कुछ? इसको क्या किया मैंने? सेव इमेज। मुझे मिलना चाहिए आई थिंक यहाँ पे भी है। चलो ऑरेंज मेरे पास ये वाले यूज हो जाएंगे, कप मैं ये ले लेती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मैं फाइल में जाती हूँ, देन ओपन। मैंने ऐसा कुछ मैंने कप ले लिया। अब कप का हम लोग सिलेक्शन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास यहाँ पे इमेज है वो कौन सी है? यहाँ पे JPEG। JPEG की फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG का मतलब क्या है? जिसके पीछे बैकग्राउंड होता है वो मेरी JPEG इमेज होती है। अब अगर मुझे इसको किसी पेज पे लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, ट्रांसपेरेंट करना होगा, येस या नो? तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्थ नंबर मेरे पास यहाँ पे टूल है जिसका नाम है यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। दिख रहे? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है? सिंपल आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है ऐसा कुछ। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया इसने, परफेक्ट सिलेक्शन हुआ, यस या नो? अब देखो ये अंदर वाला पार्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसको मैं बाद में सिलेक्ट कर सकती हूँ। सिंपल मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कंट्रोल जे, सिलेक्शन को कॉपी लेना, कंट्रोल जे, सिलेक्शन वाला पार्ट मैंने कॉपी लिया, यस या नो? अब क्या करना है मुझे, ये अंदर वाला पार्ट रिमूव करना है ये वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैजिक वॉन्ड टूल, या आपको फोर्थ ऑप्शन में छोटा सा इस पर क्लिक करोगे आपको मिलेगा मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल पे क्लिक करना है, यहाँ से मैंने इस पर किया क्लिक, तो मेरे पास क्या हुआ, बाहर का पूरा रिसलेक्ट हुआ। लेकिन मुझे बाहर का रिसलेक्ट नहीं करना, तो मैं क्या करूँगी, 1 2 3 थर्ड नंबर में मुझे मिलेगा लेसर टूल। लेसर टूल मैंने लिया, मुझे कितना पार्ट ये कट करना है उतना मैंने इसको किया सिलेक्ट, कंट्रोल डी। सिलेक्शन रिमूव करने का शॉर्टकट क्या है आपका? कंट्रोल डी। ये बेसिक सा मैंने ऐसा कुछ रफली मैंने इसको पहले मैनेज किया। क्या करना है मुझे, यहाँ मैंने किया मास्क, तो क्या हुआ, गायब हुआ था कब? मुझे क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड पर और यहाँ से मैं लूँगी मास्क, रिमूव हुआ, यस या नो? अब मुझे प्रॉपरली से निकालना है तो प्रॉपरली मैं ऐसा कुछ काम कर सकती हूँ, जितना मुझे डिटेलिंग में जाना है, जितना आप डिटेलिंग में जाना चाहते हो, कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, कंट्रोल माइनस देन कंट्रोल प्लस। ओके ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपल मैंने ऐसा कुछ दिख रहा है ये वाला पार्ट आपको। अब यहाँ मैं एक टिल्ट होके जा रही है, मुझे अगर यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेट लेना आप स्ट्रेट भी ले सकते हो। मैंने इतना पार्ट को सिलेक्ट किया, जहाँ पे आपका ये ब्रेक हुआ वहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली। अब क्या करना है मुझे, इसका अंदर वाला पार्ट ये रफ करना है, क्या करूँगी, ऑल्ट बैक स्पेस, रिमूव हुआ, कंट्रोल डी। अब इतना पार्ट मुझे रिमूव करना होगा। फिर अगर आपसे एक साथ नहीं हो तो सिंपल छोटा छोटा आप एरिया भी सिलेक्ट करके काम कर सकते हो। सपोज मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया, दिख रहा है आपको, ये कब भी मेरे साथ में गए ऐसा कुछ मैंने किया, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, काम हुआ, यस या नो? अब मुझे देन अगेन ऊपर के एरिया भी सिलेक्ट करना हो यहाँ पे, ऐसा कुछ मैंने किया, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, हुआ यहाँ पे काम। सिंपल मुझे जितना बारीकी से जा सकते हो जा सकते हो, जितना आपको नॉर्मली डेली में जाना है उतना जा सकते हो, डिपेंड करेगा वो आपके ऊपर कि कैसा आपको मैनेज करना है, कैसा आप काम करने वाले हो। ऐसा कुछ करके पॉसिबल है क्या?
ऑल्ट बैकस्पेस कंट्रोल डी। अब इतना क्लियर हुआ प्रोसेस, यस या नो? अब क्या करना है, मैंने इसको क्या किया, सिंपल मैं जाती हूँ मूव टूल, मूव टूल, मूव टूल मुझे कहाँ मिलेगा, सबसे ऊपर मूव टूल, दिख रहा है आपको ये वाला ऑप्शन, मूव टूल से मैंने क्या किया, इसको ऐसे नीचे ड्रैग किया और सिंपल मुझे ये कप है मुझे इस वाले फ्रेम पे लेना है, तो क्या किया मैंने, ऐसा कुछ कप उस पर आया, यस या नो? अब ये जो कप का साइज है वो मुझे हल्का सा बड़ा करना है, अगर मैं कप का साइज हल्का बड़ा करूँ मेरे पास क्या इमेज पिक्सलेट होने लग जाएगी, मतलब इमेज ब्लर होने लग जाएगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास इमेज भी ब्लर ना हो तो मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करूँगी कप वाली लेयर पर और यहाँ से मैं लूँगी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने किया, कंट्रोल टी मैंने किया यहाँ पे, इसको मैं कर लेती हूँ स्केल, कितना आपको स्केल करना है, कैसा आपको स्केल करना है, पॉसिबल है, यस या नो? अब क्या करना है, मुझे लेना है अपना ऑरेंज, तो सिंपल क्या करेंगे, फाइल में जाती हूँ मैं, ओपन मैंने किया सिंपल, मैं यहाँ से लिया मैंने ऐसा कुछ ऑरेंज, अभी जो ऑरेंज है मेरे पास जेपीजी है या पीएनजी है, मैं अगर सिंपल यहाँ पे चेक करती हूँ वेयर, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे के लिए एक ऑरेंज की इमेज, अब इसको मुझे किस में करना है, पीएनजी में, तो पीएनजी के लिए मैंने क्या किया, सिंपल मेरे पास यहाँ पे टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आपका मोस्टली यूज कहाँ पे आता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए, तो मैंने क्या किया इसको क्लिक एंड ड्रैग ऐसा कुछ, सिंपल क्या करना है मुझे, या तो मैं करूँगी कंट्रोल जे यहाँ पे, अब देखो ये अंदर वाला पार्ट प्रॉपर सिलेक्ट नहीं हुआ, तो सिंपल क्या करूँगी मैं आते मैजिक वन टूल, पॉसिबल है, मैं ऑल्ट मैंने प्रेस किया, मैं जाती हूँ इसमें मास्क, हुआ यहाँ पे यस या नो, क्लियर हुआ गाइज, यस या नो? मूव टूल मैंने यहाँ पे अगेन लिया, मूव टूल को मैंने किया क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल टी मैंने किया, कंट्रोल टी से स्केल या फिर गई, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ इसको ही मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेती हूँ, राइट क्लिक मैंने यहाँ पे किया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी मैंने किया, अगर मैं इसको करती हूँ यहाँ पे स्केल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको किया ऐसा कुछ स्केल, कॉर्नर पे जाती हूँ, देखो ये आपका ऑरेंज वाली जो लेयर है मैं नेमिंग देती हूँ यहाँ पे, सपोज इसको मैंने नेमिंग दी कप, और सेकंड को मैं नेमिंग दे दी यहाँ पे ऑरेंज, पॉसिबल है? अब क्या करना है, सिंपल में जाती हूँ कॉर्नर में राइट क्लिक किया, यहाँ मैं करती हूँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो कप के ऊपर आया, यस या नो? कॉर्नर पे जाके मैंने राइट क्लिक किया, पहले मैं ऐसा कुछ था, ऑरेंज वाली लेयर पे जाती हूँ जिसपे आपको ऑरेंज दिखाना है प्रॉपरली शेप में, वो लेयर आपकी नीचे होनी चाहिए, अब कप वाली लेयर में नीचे है एंड ऑरेंज वाली कप है वहाँ पे ऊपर, क्या करना है ऑरेंज वाली लेयर पे जाती हूँ राइट क्लिक मैंने किया, यहाँ से करना है मुझे क्रिएट क्लिपिंग मास्क, पॉसिबल है, यस या नो? अब क्या करना है आपको नॉर्मल पे जाना है, यहाँ पे देखिए नॉर्मल आपको लिखा हो ब्लेंडिंग मोड, यहाँ से मैं करूँगी इसको ब्लेंड, कि मेरा आउटपुट इसमें अच्छा, आई थिंक ये अच्छा लग रहा है मुझे आउटपुट अपना, लीनियर बन देख लेती हूँ, मल्टीप्लाई देख लेती हूँ, लीनियर बन दिस इज गुड, ऐसा कुछ मैंने इस पर रखा, इतना मैनेज ये हुआ, यस या नो? अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, फाइल में जाती हूँ ओपन, मुझे दिखानी एक स्लाइस ऊपर कटी हुई ऐसा कुछ, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मैजिक वन टूल, जिससे मैंने सिलेक्ट किया, प्रॉपर रनिंग लाइन दिख रही है आपको, जब भी आप मैजिक वन टूल यूज करोगे तो क्या करना है आपको, ऑल्ट प्रेस करना है और आपको करना है मास्क, रिमूव हुआ बैकग्राउंड, यस या नो? मूव टूल मैंने यहाँ पे अगेन लिया, मूव टूल से मैंने किया इसको क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, किसी भी चीज को बड़ा करना हो, छोटा करना हो, रोटेट करना हो, फ्लिप करना हो, वर्टिकल करना हो, वो आप यहाँ पे कर सकते हो कंट्रोल टी से, ओके? तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिक से मैंने ऐसा कुछ स्केल किया और इसको मैंने यहाँ से किया अनलिंक, आइडिया लगा, यस या नो? मुझे कैसे दिखाना है इसको, दिखाना है मुझे कप के ऊपर, तो मैं ऐसा कुछ अगर बैलेंस करती हूँ, पॉसिबल है गाइस, यस या नो? तो कप के ऊपर ही आया, यस या नो?
अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं क्या कहती हूँ कंट्रोल टी यहाँ पे, इसको लिटिल बिट कितना आपको स्केल करना है, विथ कितना आपको लेना है, तो यहाँ से मैं विथ को हल्का सा कम कर लेती हूँ। पॉसिबल है क्या? एंटर मैंने प्रेस किया, अगेन मैं इसको हल्का सा अप डाउन लेकर हाइट को लिटिल बिट मैं यहाँ से ऐसा कुछ बैलेंस कर लेती हूँ। इतना क्लियर हुआ? यस या नो? बेसिकली मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ काम किया। इसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ करके सिंपल मुझे कैसे इसको बैलेंस करना है। जैसे मैंने ये लिया है यहाँ पे, मुझे अगर नीचे से और भी कुछ बैलेंस करना है या कुछ और भी इसमें दिखानी है शेप, मुझे कोई स्मोक दिखाना है अगर, तो सिंपल क्या करती हूँ, फाइल में जाती हूँ, मैंने किया ओपन और मैं यहाँ से देती हूँ एक स्मोक ऐसा कुछ। मेरे पास है यहाँ पे सी, मैंने प्रेस किया सी फॉर क्रॉप, सी फॉर क्रॉप, सिंपल कीबोर्ड पे सी प्रेस करना है, सी फॉर क्रॉप, इसको मैंने यहाँ पे क्रॉप किया ऐसा कुछ, एंटर प्रेस किया। मूव टूल मैंने अगेन लिया, मूव टूल से मैंने इसको किया मूव, कंट्रोल टी किया, मुझे इसको हल्का सा ऐसा कुछ मुझे दिखाना है यहाँ पे। ओके, नॉर्मल पे जाती हूँ, इसको मैंने किया ब्लेंड करना स्टार्ट, स्मोक दिख रहा है आपको? और जो ये नीचे जो स्मोक आ रहा है, उसको पहले मैं क्या करती हूँ रफ कर देती हूँ। मैंने जाती हूँ यहाँ पे मास्क लिया, बी मैंने प्रेस किया, बी फॉर ब्रश, और यहाँ से मैंने किया रफ। अब मुझे यहाँ पे पीछे एक बैकग्राउंड लेना है, क्योंकि बैकग्राउंड के बिना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। दिख रही है बैकग्राउंड वाली लेयर? मुझे कलर कौन सा चाहिए? कलर चाहिए मुझे ऑरेंज। मैंने क्या किया, पिकर यहाँ से लिया, आई ड्रॉपर टूल, इसको मैंने किया यहाँ पे कोई भी एक कलर सिलेक्ट। यहाँ पे वो कलर आया क्या, जो भी आपको कलर चाहिए, डार्क लाइट, दिख रहा? दिख रहा है आप लोगों को? यस या नो? मैंने ऐसा कुछ कलर लिया, मैंने किया ऑल्ट बैक स्पेस, बहुत डार्क कलर लग रहा है, यस या नो? मुझे हल्का सा ब्राइट कलर चाहिए, देखो यहाँ पे कैसा आपको कलर चाहिए, चेंज हो रहे हैं वहाँ पे देखो। सपोज मैंने लिया ऐसा कुछ ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल, सिंपल मैंने यहाँ पे लिया। सिंपल मैं क्या करती हूँ, मैंने न्यू लेयर यहाँ पे ऐड की, बी मैंने प्रेस किया, बी फॉर ब्रश, ब्रश को मैं यहाँ पे हल्का स्केल कर लेती हूँ। एक्स प्रेस करके आप काम कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी आप ऐसा कुछ कर सकते हो। व्हाइट वाला कलर मैंने किसमें लिया, ऊपर लिया, दिख रहा है व्हाइट वाला कलर मैंने ऊपर लिया। इसको क्या किया मैंने, बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक, अब क्या करना है मुझे, जो भी मैंने यहाँ पे चीजें की है सबको मैं करती हूँ ग्रुप में। मैंने क्या किया है यहाँ पे, बैकग्राउंड छोड़ के कप से मैंने स्टार्ट किया, कप से लेके स्मोक तक। अगर आपको नेमिंग करनी है स्मोक की या स्लाइस की, तो आप नेमिंग कर सकते हो, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप। मैंने कप वाले पार्ट को प्रॉपर एक ग्रुप में मेंटेन कर लिया, दिख रहा है आपको यहाँ पे? अब क्या करना है मुझे, कप की बनानी है नीचे शेडो, अगर ऐसा कुछ बैकग्राउंड होगा तो शेडो दिखेगी यहाँ पे। तो सिंपल क्या किया मैंने, ऐसे लिए एक न्यू लेयर ऐड की, प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे, न्यू लेयर मैंने यहाँ पे ऐड की, इसको मैं नेमिंग देती हूँ शेडो। सिंपल क्या किया मैंने यहाँ पे लिया इलिप्टिकल टूल, इसको क्या किया मैंने क्लिक एंड ड्रैग, और यहां से मैं कलर लेती हूँ ब्लैक, ऑल्ट बैकस्पेस। रनिंग लाइन दिख रही है आपको चलती हुई एक लाइन, इसको मुझे करना है रिमूव, तो रिमूव करने के लिए कंट्रोल डी, रिमूव करने के लिए कंट्रोल डी। अब क्या करना है, शेडो को मैं लूंगी ग्रुप वाली लेयर के नीचे, मूव टूल मैंने लिया, मूव टूल से मुझे मैनेज करना है ऐसा कुछ। फिल्टर पे जाती हूँ, ब्लर, देन क्या करना है गोशन ब्लर, कितना आपको गोशन ब्लर करना है, सपोज मैंने रखा गोशन ब्लर ऐसा कुछ, ओके किया। ऑपेसिटी को मैंने यहाँ पे किया कम, शेडो का लुक एंड फील आया यस या नो? अब इसके बाद क्या करना है, जो ग्रुप मैंने बनाया था ग्रुप को मुझे करना है कॉपी, कॉपी का शॉर्टकट क्या है आपका, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे से ग्रुप कॉपी हुआ उधर, ग्रुप कॉपी वन, ग्रुप कॉपी वन को क्या रखना है आपको, शेडो वाली लेयर के नीचे रखना है, कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक करना है, यहां से करना है फ्लिप वर्टिकल, वर्टिकल करके इसको मैंने लिया यहाँ पे नीचे,
मुझे अगर लग रहा है यहाँ पे मैं अर्निंग करके चीजें मैनेज कर सकती हूँ, कैसे आपको बैलेंस करना है वो आप बैलेंस कर सकते हो यहाँ पे। मुझे अगर हल्का सा मैनेज करना हो उसके अकॉर्डिंग तो वो मैं मैनेज कर सकती हूँ सिंपल, अगर मैं इसको ऐसा कुछ लेती हूँ। दिख रहा है यहाँ पे आपको, लेकिन चीजें मेरी ऐसे को दिखती रिफ्लेक्शन में। इसको मैंने क्या किया यहाँ पे, एंटर किया, कंट्रोल प्लस मैंने यहाँ पे किया, ऑपेसिटी मैंने की कम। अब मुझे लग रहा है जो मेरा कप है वो दूर लग रहा है, फर्स्ट टाइम मैं कप को करती हूँ थोड़ा पास यहाँ पे, तो पास के लिए मैं क्या करूँगी यहाँ पे, अगर मैं हाइट को कम ऐसा कुछ बैलेंस करती हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमेशा आपका ऐसा कुछ आता है। तो इसको मैंने किया लिटिल बिट ऐसा कुछ, मैंने बैलेंस किया, एंटर मैंने प्रेस किया, सिंपल ऑपेसिटी मैंने की इसकी कम, ऐसे कुछ ऑपेसिटी की। मास्क मैंने यहाँ पे ले लिया, बी मैंने प्रेस किया, बी फॉर ब्रश, नीचे वाले एरिया को मैं कर देती हूँ रफ। पॉसिबल है यस या नो, इतना क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे आपको एक व्हाइट कलर की लाइन नजर आ रही है, ध्यान से देखो ये वाली लाइन। अब ये लाइन किस चीज की, एक बार चेक करें, एक बार ग्रुप वन पे मैं जाती हूँ, ग्रुप वन में आई थिंक ये लाइन मेरी ओके इसी की है। सिंपल मैं जाती हूँ मास्क वाले एरिया पे, इसको मैंने बी प्रेस के ऊपर रफ कर देती हूँ। पॉसिबल है क्या? इतना मैंने यहाँ पे काम किया। मुझे अगर साइड में कुछ और स्लाइस वगैरह कुछ दिखानी है या फिर मुझे ऐसा कुछ पार्ट दिखा के साइड में रखा हुआ, पॉसिबल होगा? यहाँ से मैं ले लेती हूँ मैजिक वन टूल है, या फिर मैजिक सिंपल मैंने लिया मैजिक, तो मैजिक से काम प्रॉपर नहीं हो रहा। मैं लेती हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, अपने ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। क्या करना है मुझे, कंट्रोल जे या मास्क? मास्क भी कर सकती हूँ, कंट्रोल जे भी कर सकती हूँ। जब भी आप मैजिक वन टूल से काम करो तो आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, मास्क करना है, क्लियर? मूव टूल मैंने यहाँ से लिया, मूव टूल से मैंने इसको किया यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल टी मैंने कर लिया, कंट्रोल टी से प्लान मैं करती हूँ इसको यहाँ पे स्केल, सॉरी गाइस लॉक कर लेना आप लोग, ऐसा कुछ काम मुझे यहाँ साइड में रखे हुए दिखाने हैं, ये फ्रूट्स वगैरह एक्स वाई जेड। न्यू लेयर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, इसकी मैं दूंगी शेडो, शेडो किसके यहाँ पे, ऑरेंज की जो मैंने रखे हैं यहाँ पे ऑरेंज, इसकी शेडो। सिंपल क्या करती हूँ मैंने यहाँ पे लिया दोबारा एलिप्टिकल, और इसको मैंने क्या किया क्लिक एंड ड्रैग, ऑल्ट प्रेस किया, बैक स्पेस कंट्रोल डी, शेडो को मैं रखूंगी इसके नीचे ओके। और सिंपल क्या करना है मुझे, ऐसा कुछ पार्ट, फिल्टर पे जाना है, ब्लर दे मैं जाती हूँ गोशम ब्लर, गोशम ब्लर मुझे कितना करना है, कैसा मुझे गोशम ब्लर करना है, मैंने लिया फिलहाल ऐसा कुछ। ऑपेसिटी लिटिल बिट अगर कम हो सकती है तो आप कम कर दो, शेडो बनी आपकी। अब शेडो होते रिफ्लेक्शन चाहिए यस या नो, तो ऑरेंज वाले पार्ट पे मैं जाती हूँ, ये मेरा ऑरेंज वाला ये वाला है ना, कंट्रोल जी मैंने किया इसको, कंट्रोल जे से इसको मैंने लिया लेयर के शेडो वाली ऑरेंज के नीचे, कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक किया, फ्लिप वर्टिकल, नीचे ही आया। अब मुझे थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगी यहाँ पे, अनलिंक मैंने किया इसको, ऐसा कोई बैलेंस करना पड़ेगा यस या नो? अब मुझे लगा बहुत चिपका हुआ कर लग रहा, तो ऐसा कुछ तो बहुत बेकार लगेगा। सिंपल क्या करती हूँ मैं, अंडू कर लेती हूँ, अंडू इसको मैंने लिया फिलहाल ऐसा कुछ, नीचे से हल्का सा आपको यहाँ से ऐसा कुछ बैलेंस कर लेना, ज़्यादा ही मत करना। और इसकी मैं करती हूँ ऑपेसिटी यहाँ पे डाउन, क्योंकि जब दूर से रहो तो आपको ऐसा कुछ दिखता है ऐसे है ना, हल्की तो ऑपेसिटी डाउन कर लो, कितनी आपको ऑपेसिटी यहाँ पे कम करनी है कितनी ज़्यादा करनी है डिपेंड करेगा वो आपके ऊपर।